जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल। दोस्तों अगर आप ही RPF कॉन्स्टेबल के अभ्यर्थी हो, दोस्तों आपका जो सेकंड लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, और जिन जो ग्रुप्स है उनकी सेकंड लिस्ट जारी की है दोस्तों, जिनका फिजिकल कंप्लीट हो चुका, अब उनका मेडिकल टेस्ट होने वाला था। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले कि मेडिकल में आपके कौन कौन से पार्ट्स चेक होने वाले, कौन कौन सी गलतियाँ जिससे आप मेडिकल में बाहर हो सकते हो, सारी बातें दोस्तों आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। महत्वपूर्ण जानकारी आपको सारी बताने वाला हूँ कि मेडिकल में आपके कौन कौन से चीज़ों का आपका मेडिकल होता है, साथ में कौन कौन सी आपको सावधानियां रखनी होगी ताकि आप मेडिकल में अनफिट ना हो, मेडिकली आप फिट हो सको। दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ जाए। साथ में दोस्तों वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों RPF कॉन्स्टेबल हो चाहे RPF एंसिलरी ट्रेड्समैन हो, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, अपडेट आते हैं तो हम सबसे पहले आपको अपडेट करवाते रहते हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आंखों के मेडिकल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आंखों के मेडिकल के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आपका होता है 6x6, मतलब आपकी नज़र 6x6 होनी चाहिए। तो यहाँ आप बिना चश्मे के आपकी नज़र 6x6 है तो आप यहाँ पर आंख के मेडिकल में फिट हो। उसके बाद में आपका आंख में दूसरा होता है वो होता है कलर ब्लाइंडनेस का। जी हाँ दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो ये जो भी लिख रखे है इसमें रंगीन ये आपको सारे पढ़ने होते हैं। अगर आपके कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको ये नहीं दिखाई देंगे, आप इसमें अनफिट हो जाओगे। उसके बाद में दोस्तों जैसा कि आप सारों पे देख सकते हो, यहाँ पे 12 लिखे हुए, यहाँ पर 23 है, और यहाँ पर आप देख सकते हो 6 लिखे हुए, और यहाँ पर 74 लिखे हुए, सारे आपको पढ़ाए जाएंगे। जैसे ही आप सारे पढ़ लोगे आपको इसमें फिट कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपका टॉर्च से मेडिकल होता है, आपकी आँख में टॉर्च से देखा जाता है कि किसी प्रकार का कोई धब्बा नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई चोट लगी हुई आपके नहीं होनी चाहिए। सारी चीज़ें अगर आपके सही है तो आप आँख के मेडिकल में फिट हो। उसके बाद में दोस्तों होता है कान का मेडिकल। जैसा कि दोस्तों आप यहां देख सकते हो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा, इसी तरह आपका कान है वो चेक किया जाता है, एक मशीन होती है उसी से आपके कान है वो चेक किए जाते हैं। मतलब आपके पर्दे सही होने चाहिए, किसी प्रकार का पर्दे में आपका छेद नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा मैं बता दूं किसी प्रकार का सफ़ेद दाग भी आपके पर्दे में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो भी आपको कान के मेडिकल में अनफिटी कर दिया जाएगा। साथ में दोस्तों वैक्स नहीं होना चाहिए, मतलब कान एकदम साफ होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके सही है तो आप मेडिकली फिट, कान के मेडिकल में आप फिट हो जाओगे। उसके बाद में दोस्तों होता है नोकनी का पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट होता है RPF में, इसके अलावा ज़्यादा हार्ड नहीं होता यहाँ पर मेडिकल, क्योंकि यहाँ पर जो आपका मेडिकल करवाया जाएगा वो रेलवे के जो हॉस्पिटल होंगे वहाँ पर आपका मेडिकल होगा, सिविलियन डॉक्टर होंगे, रेलवे के सिविलियन डॉक्टर होंगे वही आपका मेडिकल करने वाले हैं दोस्तों। तो आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, मतलब जैसा आर्मी में और पैरामिलिट्री फोर्सेज में मेडिकल होता है उस तरह का इतना हार्ड आपका मेडिकल इस बार नहीं होने वाला है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो नोकनी की अगर बात करें तो ये जीनून वैक्यूम में, जिसे हम नोकनी बोलते, मतलब आपके दोनों पैर यहां से टच नहीं करने चाहिए। अगर आपके यहां से टच कर रहे तो आपको मेडिकली अनफिट कर दिया जाएगा। उसके बाद में यहां देख सकते हो दोस्तों, यह भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आपके दोनों घुटनों के बीच में ज्यादा जगह है तो भी आपको मेडिकली अनफिट है वो कर दिया जाएगा। सबसे सही मैं बता देता हूं, जो यहां आप देख सकते हो यह एकदम नॉर्मल है, मतलब आपके टच भी नहीं कर रहे और यहां पर ज्यादा स्पेस भी नहीं है, तो अगर आपके इस तरह है पैर तो आपको मेडिकली फिट हो जाओगे। उसके अलावा दोस्तों हाथ की बात करें तो हाथ बैंड देखा जाता है, आपका हाथ है वो सही होना चाहिए, मतलब अगर आपके हाथ में 16 डिग्री तक अगर आपका कोण बन रहा है तो दोस्तों आप फिट हो, अगर 16 से अगर ज़्यादा बन रहा है तो आपको मेडिकली अनफिट कर दिया जाएगा हाथ के मेडिकल में। उसके अलावा मैं बता देता हूं आपके हाथ के बाद में आपका होता है आपका फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, मतलब आपका पैर है नीचे से वो फ्लैट नहीं होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए, फ्लैट नहीं होना चाहिए, अगर आपका फ्लैट है तो भी आपको मेडिकली अनफिट है वो कर दिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ आपका चेक होता है दोस्तों, BP आपकी चेक होती है, मतलब BP सही होनी चाहिए, BP हाई, ब्लड प्रेशर है वो हाई नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपके पेशाब की जांच की जाती है, खून की जांच की जाती है, और आपका एक्सरा किया जाता है। उसके अलावा आपके जो प्राइवेट पार्ट्स है वो भी यहाँ पर चेक किए जाते हैं, जैसे आपके बैक साइड में देखा जाता है कि पाइल्स वाइल्स तो नहीं है, उसके अलावा आगे आपके देखा जाता है कि किसी प्रकार के यहाँ पर स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, जो पार्ट्स है
अंदर के पार्ट्स है उसमें स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं भरा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। अगर ये आपके सारी चीज़ें सही है तो आपको मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपको मेडिकल में पिट कर दिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों कोई खास ज़्यादा नहीं होता आरपीएफ में, क्योंकि यहाँ पर आपका मेडिकल होता है वो होता है यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं जो रेलवे के होते हैं, यहाँ पर आपका मेडिकल करवाया जाता है और रेलवे के जो सिविलियन डॉक्टर रहते हैं वही आपका मेडिकल करते हैं। अगर ज़्यादा अगर बात करें तो आपकी आँखें देखी जाती है, और उसके अलावा मोटी मोटी अगर चीज़ों की बात करें तो आपकी नोकनी नहीं होना चाहिए, मतलब पैर टच नहीं करना चाहिए, ऐसी जो मोटी मोटी चीज़ें वही आपके देखी जाती है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं होता, बीपी आपके सही होना चाहिए, आपका एक्सरा करवाया जाता है वो उसमें आपको सही आना चाहिए, साथ में आपका ब्लड है वो चेक किया जाता है, ये सारी चीज़ें की जाती है। अगर इसमें आप पिट हो तो आपको मेडिकली पिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप अगर मेडिकल के लिए जा रहे हो तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, मैं पहले बता देता हूं। आप अगर मेडिकल के लिए जा रहे हो उस दिन आपको अच्छी तरह से नाके धोखे जाना चाहिए, आप कटिंग वटिंग बना के जाए, जितने भी पार्ट्स है दोस्तों वहां से जो बाल है वो साफ करके जाए आप साथ में, दोस्तों मैं बता दूँ। इसके अलावा आप कान है वो अपने दोनों कान साफ करवा के जाए, कोलगेट वोलगेट करके जाए, तो इससे भी दोस्तों आपके रेफर मिल सकता है, आपको पॉइंट मिल सकता है, आपको मेडिकली अनफिट कर सकते हैं अगर आप ये सारी चीज़ों का ध्यान नहीं देते हो। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हो, अगर ये सारी चीजें आप कर लेते हो तो आपको मेडिकली पिट कर दिया जाएगा, आरपीएफ में आपको मेडिकल में कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा दोस्तों मैं बता देता हूं, आरपीएफ कांस्टेबल हो या आरपीएफ ट्रेड्समैन जो एंजली ट्रेड्समैन हो या फिर आरपीएफ एसआईओ, सभी का मेडिकल सेम ही होता है, एक ही जगह आपका मेडिकल होने वाला है। तो दोस्तों मैंने जो आपको प्रोसेसिंग बताई ये तीनों के लिए, इन चीजों को आपको खासतौर से ध्यान रखना होगा। अगर ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो आप मेडिकली पिट हो जाओगे। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी जानकारी। दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल हो चाहे आरपीएफ एंसरी ट्रेड्समैन हो, सभी का कोई भी नोटिस आता है, अपडेट आती है दोस्तों, तो हम सबसे पहले आपको जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई खबर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।